दक्षिण नागपुर महिला आघाड़ी की ओर से विश्वकर्मा नगर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर दक्षिण नागपुर के विधायक मोहन बते शामिल हुए थे। आज पूरा देश छत्रपति शिवाजी महाराज की 394वीं जयंती मना रहे हैं। नागपुर में भी जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां विश्वकर्मा नगर में आयोजित कार्यक्रम में मोहन मते ने शिरकत करते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने विभिन्न जातियों के लोगों को एक साथ लाने का काम किया है। आज छत्रपति के इस काम और सम्मिलित हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्हें याद किया जाता है। महाराजांची 350वी जयंती जरी असली तरी ज्या राजामुळे आज आम्ही इथे अस्तित्वात आमचं अस्तित्व आहे त्या राजाची जयंती घरोघरी मला मला खायला पाहिजे। खऱ्या अर्थाने छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी समाजाची स्थापना केल्यानंतर त्या गावातील सगळ्या महाराजांनी एकत्र करून 18 पगड जातींना एकत्र घेऊन आणि त्या पद्धतीनं या देशाला पुनश्च एक राजा स्वयंपद त्यांना जरी मिळालं असेल परंतु छत्रपतींनी खऱ्या अर्थानं त्या गावातील लोकांना एकत्र करून त्यांना 18 पगड जाती 12 अर्थ बलुतेदार जे आपण त्यांनी संज्ञा दिली आणि त्यांच्या माध्यमातून हिंदवी स्वराज्य स्थापन केलं त्या महाराजांची जयंती खऱ्या अर्थानं आपण जे साजरी करतो पश्चिम महाराष्ट्रात मराठवाड्यात ज्या पद्धतीनं शिवजयंती साजरी होते त्या पद्धतीनं विदर्भात होत नाही, कमी प्रमाणात होते आणि त्याच्यामुळं येणाऱ्या काळात सगळ्या तरुणांनी सगळ्या छोट्या छोट्या बालगोपालांनी एकत्रित येऊन आपल्या घरोघरी मस्जिद मोहल्ल्यात शिवजयंती साजरी करावी असं हा मी दफ्तर करून दिला। मते ने आगे कहा कि मराठवाड़ा पश्चिम महाराष्ट्र में छत्रपति की जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई जा रही है, वहीं विदर्भ में भी इसका चलन हो इसलिए वह प्रयासरत है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।